यहाँ पर यह बैसा एक हाथी को घूर रहा था, जिससे हाथी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हाथी आगे आकर बैसे को बोलता है, मुझे क्यों घूर रहा है काले, चल निकल। बैसा अपने मुंह में विमल चबा रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोलता। बैसा सोचता है काई को मुंह लगना इसके। बैसा चुपचाप चलने लगता है, जिससे हाथी का ओवर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हाथी आगे जाकर बैठे हुए बैसे को भी बोलता है, तेरे को क्या अंग्रेजी में बताना पड़ेगा क्या काले गेंडे, चल तू भी निकल लौड़े। इससे बैसे का ईगो हर्ट होता है। बैसा विमल निकल के बोलता है, तेरी माँ की आँख रुक। बैसा हाथी की गोटी सिंगों से खुजाता है। हाथी फीलिंग में बहते बहते रह गया। नुकीली चीज जब प्राइवेट पार्ट के नजदीक चुपती है तो क्या होता है, ये यही हाथी जाने। इसीलिए बिना किसी कारण के किसी की खुजाना अपने मरवाने जैसा है। ओके, पेड़ की छाव में छुपा ये तेंदुआ बच्चे पर हमला करने का प्लान बनाता है। माँ जैसे ही दूसरी तरफ मुंडी करती है, तभी तेंदुआ बच्चे की तरफ बढ़ता है। माँ तुरंत तेंदुए की तरफ मुंडी करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तेंदुआ उसकी एक नहीं सुनता और बच्चे को कोपचे में ले जाने लगता है। माँ भी तेंदुए के पीछे चल पड़ती है। माँ तेंदुए के पिछवाड़े को ठोकती है और उसे पेड़ के कोपचे में घुसा घुसा के मारती है, जिससे तेंदुए को अपनी माँ का प्यार याद आता है। इधर बच्चा बाहर आते ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैं मर गया मैं। माँ बच्चे को रोक के बोलती है, बेटे तू अभी भी जिंदा है, मेरा टाइगर है, इस माँ का टाइगर जिंदा है। ये तेंदुआ इस खरगोश पर हमला करने की फिराक में था। बेचारा खरगोश जिंदगी से थका हारा रास्ते के किनारे घास को चुन चुन के खा रहा था। अगले 3.5 मिनट में इसके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। तेंदुआ जैसे जंप मारता है तो खरगोश रिवर्स स्लिप मार के तेंदुए को चकमा देकर झाड़ियों में घुसता है। तेंदुआ तूफानी रफ्तार से उसका पीछा तो करता है, पर खरगोश उसे कल्टी मार के खिसकता है। तेंदुए का सफर जहाँ से शुरू हुआ था वही आकर खत्म होता है। ये जेब्रा सीधा शेरों के इलाके में चला आ रहा था। जेब्रा को देख ये शेरनी बोलती है, अरे देखो जेब्रा खुद चला आ रहा है, उसे देखो जरा। एक शेरनी आगे आकर बोलती है, थोड़ा रेंज में आने दो उसे। जेब्रा के चेहरे को देख ऐसा लगता है कि उसका अपनी बीवी से जोरों शोरों का झगड़ा हुआ है। तभी एक शेरनी आगे आकर बोलती है, इसे मैं देखती हूँ, पहली बार शिकार लाइव देखने को मिलेगा, इसलिए बच्चे एक्साइटमेंट में आगे आते हैं। ये शेरनी बोलती है, बच्चों ज्यादा आगे मत जाओ वरना वह भाग जाएगा। जेब्रा नजदीक आते ही बच्चे एड़ी ऊपर करके फुल एक्साइटमेंट में देखने लगते है। जेब्रा जैसे ही क्लोज रेंज में आता है तो शेरनी ऊपर से कबड्डी कबड्डी खेलना शुरू करती है। जेब्रा होश में आता है और तूफानी रफ्तार से पीछे भागता है। बच्चे मुंह खोल के बस देखते रह गए। पीछे से शेरनी चिल्ला के बोलती है, अरे वीडियो को लाइक तो करते जा। जेब्रा तो बिना लाइक के चला गया, पर आप लाइक करके जाना, कमेंट में आई सपोर्ट यू लिखकर अपना प्यार देना। ओके दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग फनी वीडियो के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल रोस्टिंग एनिमल को सब्सक्राइब करें।